जिक्र होने पर मुंबई के बॉलीवुड का नाम सामने आता है, लेकिन अब विदर्भ भी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में बड़ी तेजी से उभर रहा है। विदर्भ में भी बॉलीवुड की टक्कर की फिल्मों का निर्माण हो रहा है। नागपुर के फिल्म अभिनेता प्रेम धोराव की नई फिल्म बैरा एक अघोरी इसका प्रमाण है, जो रिलीज होने की राह पर है। हिंदी और मराठी फिल्मों के वर्सेटाइल अभिनेता प्रेम की फिल्म बैरा एक अघोरी। एक और हीरो है जिनका नाम शक्ति वी धीराल है। इस फिल्म के गीतों की लॉन्चिंग मंगलवार 25 अक्टूबर को हुई। कार्यक्रम का आयोजन शाम 4 बजे होटल रेडिसन ब्लू में किया गया। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर नकाश अजीज ने गीतों को अपना स्वर दिया है। नकाश अजीज के अलावा मशहूर गायिका वैशाली माड़े और शहीद मालिया ने भी गाने गाए हैं। धीराल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी फिल्म बेरा एक अघोरी रोमांस, डांसिंग और हॉरर बेस्ड फिल्म है। इसके निर्माता राजू भारती और निर्देशक मिलिंद कुलकर्णी हैं। फिल्म की हीरोइन प्राजक्ता शीदी, साक्षी लाखोरकर और शीतल कांडवाल सहित अधिकांश कलाकार विदर्भ के हैं। मुंबई के भी कई कलाकारों ने अभिनय किया है। फिल्म की शूटिंग नागपुर, चंद्रपुर, ताड़ोबा और जुनोना के जंगलों में की गई है। गीतों की रिकॉर्डिंग मुंबई के गीत स्टूडियो में हुई है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रेम की यह तीसरी हिंदी फिल्म है। उनकी हिंदी फिल्में समकाल और चूतिया पर रिलीज होने वाली है और मराठी फिल्म भाग को रिकॉर्ड दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। उनका कहना है कि वे टाइट होने की बजाय हर तरह की भूमिका निभाना चाहते हैं। बेरा एक अघोरी फिल्म की कहानी अघोरी पर केंद्रित है। 500 साल पहले एक अघोरी था। 500 साल पुरानी कहानी वर्तमान में शुरू होती है। 2022 में अघोरी शाप की वजह से प्रकट होता है और फिल्म इसी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, थ्रिलर है, हॉरर है और मनोरंजन है। हर किसी को पसंद आएगी ऐसी फिल्म है। बेरा एक अघोरी ये सॉन्ग जो है, इसका सॉन्ग एक पहले मुंबई में लॉन्च हो चुका है और ये दूसरा सॉन्ग है जो रेडिशन ब्लू में आप सभी को बुलाया है यहाँ, और वाकई में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये सॉन्ग जो है। नकाश अजीज ने गाया है इसको और वैशाली माड़े ने साथ दिया है उनका, और जिस तरीके से इन्होंने नकाश अजीज को पूरी दुनिया पसंद करती है, ये सॉन्ग को भी पसंद करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसको एक बार तो भी ज़रूर देखें। अघोरी एक 500 साल पहले की कहानी है जो 2020 में 22 में प्रकट होती है और उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है और चलती है। फुल्ली एंटरटेनमेंट हॉरर और सस्पेंस फिल्म है जो दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मूवी दिसंबर के जी बेरा एक अघोरी ये हिंदी फीचर फिल्म है जो दिसंबर के एंड में रिलीज़ होगी और पूरे भारत के बड़े प्रमुख शहरों में रिलीज़ होगी और सभी जगह रिलीज़ हो जाएगी ये। और आप ज़रूर, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग आए यहाँ थिएटर में जाए और इस फिल्म को भरपूर आशीर्वाद दे, हमें दे और इस फिल्म को देखे। विदर्भ के टोटली विदर्भ के कलाकार है इसमें बेरा एक अघोरी में, और इस फिल्म को जिस तरीके से, जिस ढंग से हमने बनाया है, आज के पब्लिक को जो पसंद आता है वही तड़का हमने इस फिल्म में लगाया है और पूरे कलाकार छोटे से लेके बड़े तक कलाकार विदर्भ के ही है। कुछ पार्ट हमने मुंबई से किया है जो प्रोफेशनली यहाँ पे जो होता नहीं है वो हमने मुंबई से किया है कि प्रोफेशनल एक फिल्म आउट होए और लोगों को पता चले कि विदर्भ में इस पैटर्न में फिल्म बनती है, यही हमने कोशिश किया है इस फिल्म का। ये फिल्म शूट हुआ है नागपुर, चंद्रपुर, भद्रावती, जुनोना, ये जगहों पे शूट हुआ है। सर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये मेरा जो किरदार है इसमें मैं आपको स्पेसिफाई कर ही नहीं सकती क्योंकि इसमें मेरी बहुत ज़्यादा कैरेक्टर की वैरायटीज़ है। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा मेरा कैरेक्टर और मैं चाहती हूँ कि मेरा कैरेक्टर बहुत ही सस्पेंस है और ये मूवी आप देखने के बाद आप खुद जज करें कि इसमें मेरा क्या किरदार है। तो मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगी, आप प्लीज़ देखिए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगा सॉन्ग के बारे में। सर, एक डांसिंग नंबर है हमारा ये सॉन्ग, इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा 2 बार शूट हुआ है। फर्स्ट टाइम हमने अलग कोरियोग्राफी पे किया और फिर हम जिस दिन शूट लोकेशन में पहुँचे बारिश आई, 2-3 घंटे से हम लेट हो चुके थे और जब हम लोगों ने, क्योंकि टाइम को मद्देनज़र रखते हुए स्पीड में किया, तो सर को बिल्कुल रिज़ल्ट पसंद नहीं आया क्योंकि ये बहुत ही परफेक्शनिस्ट है। तो इन्हें था कि वापस हम लोग रीशूट करते हैं, फिर से इसमें नई कोरियोग्राफी डालते और क्या अच्छा बेटर कर सकते हैं। हमने इस पर पूरा ध्यान दिया, फिर से कोरियोग्राफी हुई और 3-4 दिनों में सर ने कम समय में फिर से नई लोकेशन डाल के पूरी नई टीम खड़ी करके
वापस से ये शूट किया, तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। हम लोगों ने बहुत ही भरी गर्मी में शूट किया है, सर ने कूलर भी लाए थे, फ़ैन भी लाए थे, पर फिर भी वो नहीं काम कर रहे थे क्योंकि हमारा सेमी आउटडोर शूट था। और बहुत मज़ा आया थ्रू आउट द शूट, क्योंकि सर से मुझे बहुत सीखने मिला। सर बहुत ही मेहनती है और इनका काम देखकर ऐसा लगता है नहीं, हमें भी इतना डेडिकेशन हमारे काम पर देना चाहिए ऑब्वियसली। और सर ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मैंने मेरी तरफ से जितना बेस्ट दे सकती थी उस कैपेसिटी में दिया। तो प्लीज़ आप सब लोग देखिएगा और मुझे बताइएगा, और अभी लॉन्च है, आप प्लीज़ देख के जाइएगा। थैंक यू। कैमरा पर्सन अमोल के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़, नागपुर।